एफआईआर होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने जाति सूचक शब्द कह करके जो गाली दिया है, अभी भी लड़के लोगों का चेहरा और बातचीत से लगा के डरे हुए हैं, लड़के लोग सहमे हुए। ट्राइबल को जमीन से भी लोग बेदखल कर रहे हैं। संथाल और झारखंड में भी जो अलग राज्य की आंदोलन हुआ तो लड़के लोगों ने ही इस आंदोलन का मोर्चा को संभाला है। लगातार आदिवासी समाज की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो रही है, चिंता का विषय। देखिए अभी तो आज केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास में आए हैं और लड़कों से अभी बात कर रहे थे, आप सब लोगों के सामने ही हम बात कर रहे थे। अभी भी लड़के लोगों का चेहरा और बातचीत से लगा के डरे हुए हैं, लड़के लोग सहमे हुए। और घटना है 26 तारीख रात को, जो कि लड़का लोग और साथ में आदिवासी समाज संगठन की ओर से जो महेशपुर में जो गाय बथान में घटना घटी थी, उन सारे घटना को लेकर के और आदिवासियों की जो जनसंख्या में गिरावट हो रही है, उन सारे मुद्दों को लेकर के 27 तारीख को लड़के लोग जन आक्रोश रैली निकालने वाले थे। और मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल सोची समझी एक प्लानिंग के तहत 26 तारीख की रात में लड़कों को यहाँ पीटा गया ताकि 27 तारीख को लोग जुलूस नहीं निकाल सके, क्योंकि 27 तारीख को जुलूस लोग निकाले भी और निकालते तो जो मामला हाईलाइट होता, खास करके जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ वहाँ पर, अपनी ज़मीन पर घर बना रहे थे गए बताने, उसके साथ मारपीट हुआ और लगातार आदिवासी समाज की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो रही है, चिंता का विषय है। स्वाभाविक है, कॉलेज में नौजवान पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, समाज के एक जागरूक प्रहरी होते हैं और देश के जितने भी आज़ादी के आंदोलन की आप लड़ाई को देखेंगे, लड़कों ने ही उसको संभाला है। चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई को आप देख लीजिए, चाहे वो जीपी के मूवमेंट में आप 77 में 74 में आप देख लीजिए, और संथाल और झारखंड में भी जो अलग राज्य की आंदोलन हुआ तो लड़के लोगों ने ही इस आंदोलन का मोर्चा को संभाला है और अग्रिम पंक्ति में रह करके लोग लड़ाई लड़े हैं। और आज भी लड़के लोग उद्वेलित है, चूंकि इस राज्य में और संथाल प्रगण में खास करके ट्राइबल की पॉपुलेशन भी कम हो रही है और फिर ट्राइबल को जमीन से भी लोग बेदखल कर रहे हैं, और इसलिए 27 तारीख को लोग प्रदर्शन करने वाले थे। और जिस प्रकार से अभी यहाँ जो बातें आई उसे समझ में ये आया, बिल्कुल राज्य सरकार के निर्देश पर और यहाँ की जो पुलिस कप्तान है, एसएसपी है, उनके निर्देश पर ये सारे घटनाएं हुई है उस दिन रात में। जो कि दो तीन बातें लड़कों ने जो बताए, एक तो पहले एएसआई आते हैं, अपने अकेले आते हैं, ड्राइवर के साथ आते हैं और एक लड़के से जो मोबाइल से वो कहीं बात कर रहे थे उनसे हॉट टॉक होती है, फिर मोबाइल छीनताई होती है और उसके बाद वो वहाँ से वापस लौटते हैं एएसआई कोई नगेंद्र कुमार करके, और 12:30 और 1 बजे के आसपास रात में सैकड़ों की संख्या में पुलिस आती है और उसके बाद अंदर घुसती है कैंपस में। लड़के लोग उस समय तो रात में लोग सोते ही हैं, जिस प्रकार से पीटा और उसका जीता जगता यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह को तोड़ा, बिजली का जो बोर्ड था ताकि लाइट को भी अंधेरा कर दे उसको भी तोड़ा और उसके बाद मारपीट किया, तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि यहाँ के एसपी ने ये काम करवाया है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है भाई, जिस कारण से जो पिटाई हुई है उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, एक तो आया ही था पहले एएसआई नगेंद्र कुमार, तो उनके ऊपर तो
एफआईआर होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने जाति सूचक शब्द कह करके जो गाली दिया है और उसके बाद जितने लोग आए हैं, आखिर किसके आदेश से इतनी बड़ी संख्या में फोर्स आई और यहाँ आकर के मारपीट की? ये बिल्कुल बिना एसपी के आदेश से ये संभव ही नहीं हो सकता है। और उन लोगों की बातों में भी कितना कंट्राडिक्शन है। एसआई आया तो उन्होंने कह रहा था कि एक लड़की का अपहरण हुआ है, जबरदस्त से उसको उठा के ले गया है, इसलिए हम आए थे। और एसपी और डीआईजी वगैरह यहाँ आए थे, शायद वो लोग जो बोल रहे हैं कि भाई किसी बच्चे का अपहरण हुआ था, तो ये बिल्कुल जिसको कह सकते हैं एक सुनियोजित तरीके से बच्चों को दबाना। और आज भी उन लोगों को भयभीत करा रहे, जैसे अभी लड़के लोग बताए कोयला खरीदने के लिए गए थे, पुलिस ने उन लोगों को इंगित करके कि मारपीट कर लड़के लोग वहां से भाग के आए। तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है पाकुड़ के जो पुलिस प्रशासन है वो लड़कों की आवाज को वो दबाना चाहते, ताकि लड़का कोई आवाज नहीं उठावे। और इसलिए मैं कहूंगा कि राज्य सरकार से ही हम मांग करते हैं, पहले तो जो जो पुलिस जो आए थे एएसआई, तो उनके ऊपर तो नेम्ड एफआईआर होनी चाहिए। और उसके बाद जितनी भी पुलिस आए हैं उनसे ही वो पता चलेगा कि कौन कौन पुलिस आए हैं, और एसपी को भी पता है। और कायदे से तो राज्य सरकार को एसपी को भी सस्पेंड कर देनी चाहिए, क्योंकि जहां ये छोटे छोटे बच्चे गांव से आकर के यहां पढ़ाई करते हैं, अगर आज उस समाज के ऊपर कहीं भी कोई हमला होता है तो दर्द तो होगा ही बच्चों को। और बच्चे अगर उसके विरोध के लिए सड़क पर निकलना चाहते हैं तो फिर आप उसको दबाना चाहते हैं, तो ये दबेगी नहीं। और ये आंदोलन संथाल परगना ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में होगी, और ये तब तक ये आंदोलन चलेगी जब तक उन पुलिस अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती है। सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं होती है, सस्पेंड हुआ और यहाँ से कहीं हटा दिया और वहाँ उनका सस्पेंशन खत्म कर दिया, तो वहाँ भी आकर के ऐसे ही ये पुलिस अफसर गरीबों के ऊपर, ट्राइबल के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार करेंगे। इसलिए ऐसे पुलिस अफसरों को तो इनके ऊपर केस होना चाहिए और उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डालना चाहिए। और इस लड़ाई को हम यहीं नहीं छोड़ेंगे, लड़कों को न्याय दिलाने तक इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे।